बिल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 अपडेट न्यूज के बारे में। साथ ही हमें अप्रैल 2024 के मंथ में कौन से डिवाइसेस में Realme की तरफ से लेटेस्ट यहां पे OTA अपडेट को रोल आउट किया गया है ना, तो उन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल दोस्तों, यहां पे देखो, सबसे पहले अपडेट की बात करें ना, तो Realme की तरफ से Realme 12 Plus 5G डिवाइस के लिए इंडिया के अंदर अप्रैल 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहां पे OTA अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। बात कर लेते हैं इस अपडेट की, वर्जन की RMX 386711A.16 इस अपडेट का UI वर्जन है। वैसे दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, 7 से 10 डेज का आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में अपडेट्स एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच फरवरी 2024, तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में फरवरी 2024 के मंथ का सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। हालांकि अभी अप्रैल 2024 का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अगर हम लोगों को लेटेस्ट मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता अप्रैल 2024 के मंथ का, तो काफी ज्यादा बढ़िया होता है यूजर्स के लिए। बट चलो कोई नहीं, यहाँ पे आप लोगों को फरवरी 2024 के मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डिवाइस के कैमरा वाले सेक्शन में भी ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। यहाँ पर मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज कैमरा परफॉर्मेंस, यहाँ पर डिवाइस के कैमरा परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है। देन इसके अलावा ऑप्टिमाइज कैमरा स्टेबिलिटी इन इंडिविजुअल सीन, यहाँ पर देखो कैमरा के इंडिविजुअल सीन में ऑप्टिमाइज किया गया है। देन इसके अलावा ऑप्टिमाइज द कैमरास फोटो इफेक्ट इन सम सीन। नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, मल्टीमीडिया में ऑप्टिमाइज द डिस्प्ले एक्सपीरियंस व्हेन यूजिंग इंस्टाग्राम, यहाँ पर जब आप लोग इंस्टाग्राम यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर डिवाइस की डिस्प्ले एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। देन इसके अलावा ऑप्टिमाइज द ईयरपीस साउंड एक्सपीरियंस इन सर्टेन सिनेरियोस, तो यहाँ पे ईयरपीस साउंड एक्सपीरियंस को भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। देन इसके अलावा डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ ही यहाँ पर डिवाइस के परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, एप्स ओपन क्लोज में काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस अपडेट के बाद यहाँ पे और कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। नेक्स्ट अपडेट की बात कर ले तो दोस्तों, फाइनली इंडिया के अंदर Realme 12 Pro Plus 5G डिवाइस के लिए मार्च 2024 के मंथ का अपडेट को रोल आउट किया गया है। ये जो अपडेट है ना, हमें मार्च 31st को ऑफिशियल इंडिया के अंदर रोल आउट किया गया है। बात कर लेते हैं इस अपडेट की, वर्जन की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो RMX 38401400.0.0705EX01 यहाँ पे इस अपडेट का UI वर्जन है। वैसे यहाँ पे कितने सारे यूजर्स को ये अपडेट मिल चुका है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है, तो सिंपली आपको अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है, एंड आपके डिवाइस में जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना, उसमें अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। देन इसके बाद आपको आपके डिवाइस में ये लेटेस्ट मंथ का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो होता ही है ना कि हमें जो मंथ बाई मंथ अपडेट मिलते हैं, उसे हम लोग अपडेट करना भूल जाते हैं। सो ऐसे में हमें जो लेटेस्ट मंथ का अपडेट मिलता है, वो यहाँ पे स्टॉक में रह जाता है। तो आपके डिवाइस में जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, उसमें अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। देन इसके बाद आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के कैमरा वाले सेक्शन में ऑप्टिमाइज द कैमरा इमेज क्लियरिटी इफेक्ट एंड ऑप्टिमाइज कैमरा स्टेबिलिटी, यहाँ पर देखो डिवाइस के कैमरा वाले सिस्टम में इमेज क्लियरिटी इफेक्ट को ऑप्टिमाइज किया गया, साथ ही यहाँ पर कैमरा की स्टेबिलिटी को भी ऑप्टिमाइज किया गया। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी एंड फिक्सेस सम नॉन इश्यूज एंड इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया गया। साथ ही यहाँ पर आपके डिवाइस में इन दिनों जो भी बग्स आ रहे थे ना, उन सारे बग्स को इस अपडेट के बाद फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया, एंड यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अच्छी लगी है तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें। चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट करो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी दोस्तों, मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।